गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सांकरी। बताओ भी आज का प्लान क्या है? रोहित बात तो कैंसिल हो गया। सांकरी जा रहे हैं। सांकरी में केदारकंठ नाम के एक ट्रैक है वहाँ पे। तो अभी सांकरी जाके हम लोग वहाँ स्टे करेंगे एक दिन का, और फिर स्टे करने के बाद फिर वहाँ से मॉर्निंग पे निकल जाएंगे हम लोग केदारकंठा के लिए। केदारकंठा जाने के बाद फिर वहीं पे हम लोग का स्टे रहेगा दो दिन का, जितने दिन का भी रहेगा। अभी चलो मैं नाते वाके भी दिखा दूँ आपको। सांकरी का जो होटल है यहाँ से ऐसा कुछ व्यू आता है। और अभी थोड़ा हम ये कहते हैं लंच वगैरह करेंगे तो फिर दिखाते हैं। फिर देखो हम लोग का यहाँ पे होटल है और हम लोग का रूम दिखाते हैं अभी थोड़ा। ठीक है, एंट्री करने आ जाने। हाँ मैं पैसे ऑनलाइन चल जाएंगे ना? हाँ मतलब ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, दो ब्लैंकेट हैं अपने पास। हाँ, और यहाँ से भाई छत से कुछ ऐसा भी बात है, देख लो यहाँ का मतलब ठीक है। अब इतना तो चलता है। वैसे 4:30 तक हमको होटल मिल गया। 4 लोग हैं जिसमें से हमको मतलब एक ही एक रूम पे सेट हो जाएंगे, इंडिविजुअल नहीं लिया हम लोगों ने। तो ठीक है, और बाकी ये हाइकर्स हैं यहाँ पे, देख लो फोटोज वगैरह लगी हैं। तो वही शाम के बज चुके हैं 5:30, और हम लोग का भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन से गाइड को हायर कर रहे हैं भाई। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा हम लोग का, और ये लोग तो भाई ये वैसे टेंशन में, और मैं बाकी तो फ्री में तो चल ही रहे हैं। अब क्या है, जो रिस्क लेना है इनको लेना है। हम तो बस भाई जी, हम तो मुंह उठा के आ गए हैं, अब क्या बोलना है। अब ये बड़े लोग हैं भाई जी, अब ये बड़े बड़े लोग हैं, अब मैनेज करेंगे। इसका क्या कर रहे, प्रबंध कर रहे हो? नहीं तो खुद भाई जी पैसे वैसे नहीं है भाई जी हमारे पास। पैसे वैसे का भाई जी भूल जाओ, पैसे वैसे भूल जाओ। नहीं तो ऐसे तो क्या बोला, बस भाई जी, भाई जी अब बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है और काफी अच्छा व्यू है मतलब, और ठंड तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा ठंड है। मैं दिखाता हूँ ठंडा भी, यहाँ पे पहाड़ में घर बसे हैं बहुत ज्यादा, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है अभी का शाम का, जो है शाम के यहाँ पे भाई 5:30 का व्यू देख रहा हूँ। मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे, और वहाँ पे कुछ घर हैं, और इधर साइड यहाँ पे स्कूल वगैरह है, वो वहाँ पे लाइट वगैरह जल रही है, वहाँ पे घर है और उसके आगे स्कूल वगैरह है। यहाँ पे कैमरे पे जज नहीं हो रहा होगा, और कुछ बड़े बड़े पहाड़ पर्वत यही कहते हैं जो। और ट्रैक हमको कल वहाँ पे जाना है, जो कहते हैं तो
उदारकंठ और रूपिन पास का जो ट्रैक है हमारा वो कैंसिल हो चुका है और अभी हम लोग रुके हैं स्वर्ग रोहिणी वाले होटल पे। स्वर्ग रोहिणी होटल पे रुके जो कि ठीक है, मतलब बजट के हिसाब से देखा जाए तो बजट के हिसाब से प्लान किए थे हम लोग ने, तो इस हिसाब से हमको ठीक रूम मिला है और डबल बेड है, मतलब डबल बेड चार लोग आ जाएंगे और उतनी ज्यादा ठंड तो नहीं लगती यहाँ पे, पर है ठंड है भाई। कोई भी आओ तो भाई कपड़े लेके आओ, कपड़े तो भयंकर सारे लेके आओ भाई जी, इसको देख ले तो दिन भर कम्बल पे ही रहता है भाई जी। आप कुछ बोलना चाहोगे भाई जी? और अगर जैसे कि इस पलंग में चार ना आ पाए तो भीम भैया नीचे सो सकते हैं, कोई दिक्कत भाई जी? अब इतना देख लेंगे भाई जी, अभी तक कर लेंगे। तो पंकज कुछ प्लान बता यार फिर। प्लान क्या, मैं तो वीडियो भेज रहा हूँ भाई। ये तो स्टेटस डालने पे लगा है भाई। स्टेटस नहीं भाई, तगड़ी वीडियो भेज दिया भाई। सब अपने अपने जुगाड़ पे लगे हैं और बस यहाँ पे मैं ही हूँ जो टेंशन पे हूँ। मैं भी टेंशन फ्री हो जाता हूँ ना, सबके लग जाएंगे भाई, घर ही नहीं पहुंच पाएंगे ये लोग। तुम लोग समझ रहे ना, तू समझा? तू समझ गया क्योंकि अपन दोनों के पास बस टिकट है, बाकी ये दोनों तो भाई ये दोनों तो बिक जाएंगे, टीसी पकड़ा तो बिक जाएंगे पक्का पक्का बिक जाएंगे भाई। तुम लोग तो भाई जी, फिर तुम लोग तो फिर गटर अटर साफ करना पड़ेगा भाई जी, बट वो बोल ही रहा था झाड़ू वाड़ू लगवाओ इनसे। चलो फिर कैसे करोगे भाई जी? तुम लोग कैसे करोगे भाई जी? तुम्हारी तो समझ लो भाई, बताओ भाई जी जो होगा देखा जाएगा। तू तो वैसे भी तो हो गया ठीक है। कल हम लोग ये वाला केदार घंट वाला ट्रैक कर रहे हैं, स्नो नहीं है पर बस स्नो तो है वहाँ पे, टॉप पे मतलब टॉप पे है, टॉप वाले अपन भाग देंगे वहाँ गाइड के दाई करते बर्फ मतलब बर्फ। हाँ भाई भाई हम उसी के लिए आए थे ठीक है, ग्लेशियर देखना था हमको ठीक है। पबजी में तो मिल नहीं रहे हैं इनफॉर्मेशन से ग्लेशियर ठीक है, यहीं से लेके चले जाते हैं वहाँ पर, चिपकाना वस्तु है ठीक है, अब इतना तो कर ही सकते हैं। चलो और यहाँ को कुछ हमारे ट्रैकिंग के सामान यहाँ पर पड़े हैं। चलो हो गया गाइस ठीक है, बस करो ब्लॉग बस करो ठीक है गाइस। तो अभी बात करके आते हैं, चार दिन कहाँ करेंगे, जो गाइड लेके जाएंगे उसी से खाना बनवाएंगे तो ठीक है। हम लोग गाइड एड के पूछ के आते हैं फिर मिलते हैं ठीक है। हाँ भाई देखते हैं अभी घर कौन ले जाएगा तुमको, फेंक दूंगा मैं उठा के किसको, देखते हैं देखते हैं। तो पंकज चल पूछ के हैं भाई, तू तो भाई वीडियो वीडियो का तेरा तो वीडियो वीडियो चल रहा है काफी रात हो चुकी है, कुछ नहीं दिख रहा भाई। भाई रात को मस्त गाना ना गाएंगे भाई। हाँ चल यही करने तो आए हैं और दिन भी यही करते गाने तो गाए थे भाई कल भाई, तो देखो तुम्हें उनका श्री हमारे साथ श्री रघुनाथ तो हाँ फिर मैं तो जान देता है हमारे साथ श्री रघुनाथ तो कुटने के यहाँ पे शेर है भाई, शेर है भाई देख ये हमारा होटल यहाँ पे रुके हम लोग, कौन सा है रे ये नाम ये है भाई होटल स्वर्ग रोहिणी प्लेस पैलेस करते हैं यही होटल है और भी, और यहाँ पे हम लोग बात आत करते हैं यहाँ हिमालयन हाइकर्स करके ट्रैकिंग इंडिया और इनकी वेबसाइट वगैरह भी देख लें, यहाँ पे पढ़ लेना भाई पॉज करके पढ़ लेना, यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे सर बैठे हैं बात कर रहे हैं, अब ये लड़का जाएगा बात करने, साथ ही मैं भी जाऊँगा फिर बात वगैरह करके, बात करके बताते हैं फिर हम लोग कितने के चार्जेस लग रहे हैं। सांकरी का है यार, सांकरी का जो मतलब फेमस होटल है बोले स्वर्ग रोहिणी। अभी फिलहाल बात हो जाए, अभी तो सर किसी और से डिस्कस करने में लगे हैं। और खाने वाने का सिस्टम यार, खाने वाने का तो अभी देखते हैं, इधर ही जाएंगे नीचे साइड ही जाएंगे खाने वाने का, और बस वगैरह भी आती है यहीं से। तो जैसे हमारा ट्रैक ख़त्म होता है तो ट्रैक ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग फिर बस से ही निकल जाएंगे यहाँ से देहरादून के लिए, और देहरादून से ट्रेन है फिर हम लोग की, मतलब ठीक है हो जाएगा ट्रैक अगर जल्दी ख़त्म हो जाता है या फिर हमको निकलना होगा उस हिसाब से, फिर हम फिर देख लेंगे अपना ट्रैक। और यहाँ पे कुछ 700 मीटर लाऊंगा जिप लाइन लिखा है यार, संतरी वो पबजी वाले जिप लाइन है भैया,
पबजी वाला जिप लाइन है। ठीक है, मतलब अब बात कर लें सर से, उसके बाद फिर मिलते हैं, फिर बताते हैं आपको जो भी जैसा प्लान है हम लोग का। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवेगा।